हमारा हित किस में है और हमारा नुकसान किस में है, ये तो पशु पक्षी जानवर भी जानते हैं, हम तो मानव हैं। हमें मनुष्य का कर्म चोला प्राप्त हुआ है। जिनको कर्म करने का दुर्भाग्य है, कर नहीं सकते, वह भी हानि लाभ को समझते हैं। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक वो कुत्ता होता है जो पालतू होता है और एक वो कुत्ता है जो फालतू होता है। पालतू कुत्ता कभी भी भागता नहीं है, डरता नहीं है। जिनका भी वो होता है उनके साथ घुला मिला रहता है। और जो फालतू कुत्ता है वो भागता है, डरता है। पालतू कुत्ते को अगर कुछ भोजन पानी दिया जाए तो बैठ के प्रेम से खाता है, और फालतू कुत्ते को दिया जाए तो वो लेके भागता है। क्यों? हित अहित पशु पक्षी जाना। फालतू कुत्ते को ये पता है कि अगर मैं इस खाने को लेकर यहीं बैठा तो मुझे डंडा पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा, कोई डेला ढीमा मारेगा, तो वो तत्काल भाग जाता है और दो चार घर जाकर दूसरी गली में चिपक कर खाता है। पालतू कुत्ता बैठ करके खाता है, उसे इशारा करो तो दोनों पैर पर खड़े होकर दोनों पैर आगे के जोड़कर हाथ नमस्कार भी कर लेता है और अपनी पूंछ को हिला करके अभिवादन भी कर लेता है। और जो फालतू कुत्ता है वो पूंछ वाला भी है, पर वो पूंछ दबा के भागता है। क्योंकि उसे ये पता था कि मेरा अहित होगा, मैं पालतू नहीं हूं, इसीलिए मुझे ये अनुराग, ये प्यार, ये मोहब्बत नहीं मिलेगी। इस कारण ही पालतू और फालतू की जो व्यवस्था मैंने समझाई है, ये व्यवस्था क्या है? बहुत सारे जन जमाने में फालतू हैं और जो फालतू हैं उनके पास टाइम बहुत है पर एक जगह नहीं बैठ सकते, भटकते रहते हैं। और जो पालतू है, किसी महात्मा के प्यारे हैं, किसी गुरु के, किसी के मंदिर के, मस्जिद के, किसी भगवान को पालते हैं, मानते हैं, उनसे बंधे हैं, वो जन भटकती नहीं है, यहां वहां जहां तहां अलग अलग जगह पर नहीं आते जाते, और उनमें संतोष रहता है, और फालतू व्यक्ति में संतोष नहीं रहता है। चींटी मूंगी कीड़े पतंग ये आग में नहीं जाते, पानी में नहीं जाते। चींटी पानी में नहीं जाती है, पानी की लकीर खींच दो घर में, धार बांधो, चींटी नहीं आएंगी। फिर पानी से चींटी को मौत होती है, उसके पैर और पंख जो भी होते हैं वो चिपक जाते हैं और मर जाती है, इसलिए वो पानी में नहीं जाती, अग्नि में नहीं जाती। क्यों?
मृत्यु का ज्ञान प्रत्येक जीव को है सृष्टि पर। मानव के अलावा जितने भी जीव हैं दुनिया में, मृत्यु का सबको ज्ञान है कि ऐसे मर सकते हैं। और भोजन का सबको ज्ञान है। जितने भी मूर्ख जीव तुम्हें लगते हैं, गधा घोड़ा सुअर इत्यादि, सबको खाने पीने का ज्ञान होता है। अभयम विहतो न कर्मम, प्रत्येक जीव के अंदर भय पाया गया है, सबके अंदर डर होता है। अभ्यंथन, और जितने जीव हैं उन सब में बच्चा पैदा करने की उत्तेजना होती है। दुनिया के प्रत्येक जीव में है ये। फिर मनुष्य में विशेष क्या है? अगर खाना कमाना है, सोना जगना है, डरना या डराना है, तो फिर मनुष्य में और जानवर पक्षियों में क्या अंतर है? फिर मनुष्य का जन्म क्यों अच्छा है? ये मनुष्य का जन्म इसीलिए अच्छा है कि स्वाभाविक ज्ञान जो है वो 84 सभी जीवों में है। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं सब में वो ज्ञान है, स्वाभाविक, खाने पीने का, सोने जगने का, डरने डराने का, अपने वंश वृद्धि करने का। पर ये जो स्वाभाविक ज्ञान है इससे कभी उत्थान नहीं होता है, इससे कल्याण नहीं है। ये ज्ञान जो है ये पतन के मार्ग पर ही ले जाता है। आप खाली कमाने कमाने में रुचि रखो, पतन हो जाएगा। या आप खर्चने में ही रुचि रखो, पतन हो जाएगा। आप संतान के बारे में चिंतन करते रहो, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम खाली डरते डरते ही रहो, पतन हो जाएगा। दुनिया को डराते रहो, पतन हो जाएगा। तो ये रुकेगा कैसे पतन? तो पतन रुकने का एक मार्ग भगवान ने बताया है, और वो है कर्म योनि का मर्यादा पालन करना, कर्म योनि की शिक्षा, कर्म योनि की व्यवस्था का पालन करना। तो हम कर्म योनि में आए हैं, हम सभी मनुष्य, हमारे हाथ है, बाकी किसी के हाथ नहीं है। और जिसके हाथ हैं कर्म उसी के हाथ में है। जिसके पैर हैं 4, 6, 10, 20, 50, 100, उसके हाथ में कर्म नहीं है। और 100 पैर होके भी उसका उद्धार नहीं है, उसका पतन ही होगा। और वो सृष्टि में खाते पीते मर जाएगा। इसीलिए भागवत कथा से लेकर सभी कथाएं, सभी पुराण, सभी दर्शन, वेद, उपनिषद, शास्त्र, ये सारी विचारधारा जितनी भी है ये मनुष्य के लिए है। जितनी किताबें रची गई हैं मनुष्य के लिए, जितने सत्संग छोटे बड़े होते मनुष्य के लिए, जितने घाट नदियों पर बने हैं वो सब मनुष्य के नहाने पूजा पाठ के लिए, जितने तीर्थ हैं सब मनुष्य के लिए, जितने दुनिया में स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो सब मनुष्य के लिए। उसके बाद भी मनुष्य जो है मूर्ख का मूर्ख ही है। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने 1000 कथा सुन ली होंगी अभी तक, पर मूर्खता में कोई फर्क नहीं आया है, जड़ के जड़ है। जैसे बिना कथा सुनने वाले रहते हैं वैसे कथा सुनने वाले, तो फर्क क्या है फिर? जैसे बिना गुरु सेवा करने वाले लोग हैं नास्तिक, वैसे ही गुरु मानने वाले भी लोग वही कर रहे हैं, तो फिर फर्क कहां? जिन्होंने गुरु किया है और जीवन साथी, जीवन का प्रमुख रिश्ता गुरु के साथ है, तो फिर गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा के बगैर पत्ता हिलना नहीं चाहिए, तो पतन रुकेगा।
भगवान ने तुम्हें श्रेष्ठ योनि में भेजा है तो भगवान की अनुमति के बगैर पत्ता ना हिले तो पतन रुकेगा। सब जानते हैं, हम सब, आप सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को समझदारी आते वो भी जान जाएंगे कि भगवान ने हमें जन्म दिया है, भगवान पाल रहा है, पोस रहा है, ये शरीर भगवान ने बना के भेजा है। फिर हम भगवान की बात नहीं मानते तो हमारा उद्धार कैसे होगा? उसके लिए कथा हो रही है, उसके लिए प्रवचन हो रहा है, उसके लिए ये भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। रामायण उसी के लिए लिखी है, ग्रंथ गीता उसी के लिए रची है, महाभारत धर्म अधर्म को समझाने के लिए ही रचा है। जो हो गया सो हो गया, पर आगे ऐसा ना हो भाई भाई में, चाचा काका में, ताऊ में। इसीलिए महाभारत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, महाभारत पढ़ो। महाभारत पढ़ने से, महाभारत सीखने से आदमी के घर में, परिवार में शांति आती है। पर कुछ मूर्ख लोग क्या कहते पता है तुमको, कि महाभारत की किताब घर में रखी तो शांति कबूर रहेगी, हर समय लड़ाई रहेगी, लड़ाई। बोलो, महाभारत में जो रथ है जिस पे कृष्ण बैठे हांक रहे हैं, उस चित्र के लिए भी कुछ लोग मना करते हैं, बड़े बड़े विद्वान बनते हैं वो अपने मन में। जिस रथ पर बैठ करके जीव को कल्याण का उपदेश कृष्ण दे रहे हैं, उस चित्र को रखने से घर में बाधा आ जाएगी, टेंशन आ जाएगा, कुछ अज्ञानी ऐसा बताते हैं। महाभारत का ग्रंथ रखने से घर में झगड़े होंगे, कुछ लोग ऐसा बताते हैं। बोलो, कोई कहते हैं घर में दीवाल पे घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, अगर घड़ी बंद हो गई तो घर में सब रुक जाता है, आमंदनी जामंदनी। तो हमने कहा नुकसान कहां हुआ फिर, आमंदनी रुक गई तो जामंदनी भी रुक गई, जो की थी हुए घड़ी रुक गई तो सब, पर घाटा कहां पड़ रहा है? अच्छा बोलो, जो कंपनी घड़ी बनाती है वो सेल डाल के रखती है घड़ी में, वो कितने सेल डालेगी? ऐसे तो घर में बिकेंगी नहीं घड़ी, जब तक सेल डाल के चलाती रहेगी कारखाने में और गोदाम में भर भर के रखेगी। वो तो घड़ी बना करके सीधा गोदाम में पैक करके रख देती है, जब घड़ी बिकती है उस समय दुकानदार सेल डाल के घड़ी मिला के टाइम टेबल तब देता है। इसीलिए घर में बंद घड़ी, बंद गाड़ी, कुछ भी घर में रखा हो उससे कोई तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है, नहीं है। क्यों? ये जो मनुष्य ने टाइम टेबल को सर्जित, टाइम टेबल को नियोजित करने के लिए जो घड़ी बड़ी का विज्ञान तैयार किया है, ये भारतीय समय के अनुसार घड़ी काम कर रही है, यहां तक ठीक है, है? आप विदेश की यात्रा करो तो ये घड़ी फेल हो जाती है। इस घड़ी में बज रहे चार और जहां हम लोग गए वहां पे बज रहे दस, तो कहां घड़ी काम कर रही है? फिर वहां जाके फिर घड़ी की सुई घुमाओ, उधर का टाइम टेबल मैच करो, फिर इधर आओ तो फिर गड़बड़, फिर इधर का मैच करो। इसीलिए ये जो घड़ी है ये बंद हो जाए या चालू रहे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिना घड़ी के भी आदमी 20-40 मिनट का ही अंतर समझता है, बाकी वो सब समझता है कितने बज गए होंगे। बिना घड़ी के भी अनुमान लग जाता है टाइम का कि अभी कितने बज रहे होंगे, थोड़ा फर्क निकल सकता है। पर एक पावन घड़ी है जो निश्चित है, तो इस घड़ी की चर्चा न करते हुए हम उस घड़ी को याद करें जो घड़ी कभी टाली जा सकती नहीं है, नहीं है। इसीलिए एक पंक्ति मेरे को याद आ गई है, उसे गुनगुना लूं फिर मैं आपको व्याख्यान सुनाऊंगा। दो घड़ी नहीं याद करता तू
प्रभु अगर भगवान की। रुकिए 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 रुकिए, ताली बजाओ अच्छी लगती है पर कंसुरी मत बजाओ। पहले ढोलक की ताल आने दो, ढोलक के साथ में बजाने। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, फिर बता दे बंद तेरी जिंदगी किस काम की। श्री वृंदावन धाम की जय हो, भागवत महापुराण की जय। दूसरा, बौनी बिगड़ गई, क्यों बिगड़ गई बौनी? क्योंकि यहां बॉसगिरी चला रहे कुछ लोग। देखो चार बैठे साउंड पे। अच्छा ट्रक की स्टीयरिंग चार आदमी एक साथ पकड़े तो कहां हो रोड पे? खाई में गिरेगो, खाई में बिल्कुल ले डूबेंगे जी ना मन ने। वो शाम को थक के चढ़ाए ले तो है। पहला भजन थोड़ा सा नाचने वाला कर दूं, और पहले मैं तो समझाने वाला कर रहा था पर ये माइक में जो है पकड़ नहीं रहा स्वर। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कभी पनघट पर देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी 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 का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का,
गल बरसाने वाले का राधे का चलता गांव के हर चप्पे पर यहाँ डाली डाली पर यहाँ पत्ते पत्ते पर यहाँ डाली डाली पर यहाँ पत्ते पत्ते पर हुकम राधे का चलता गांव के हर चप्पे पर हुकम राधे का चलता गांव के हर चप्पे पर चारों तरफ डंका बजता ब्रजवान दुलारी का चारों तरफ डंका बजता ब्रजवान दुलारी का श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का